शुरुआत हुई है, बारात अंदर आई है, कुणाल ने श्रद्धा को पहली बार देखा है, तो ऑफ कोर्स वही मोमेंट्स चल रहे हैं अभी तो। हाँ वही शूटिंग वहीं तक पहुँचे ना, कुणाल ने श्रद्धा को देखा है, श्रद्धा ने कुणाल को पहली बार देखा है आज के दिन के लिए, वहीं तक पहुँचे। हाँ जयमाला खत्म हुआ, एक बहुत ही स्वीट सरप्राइज शेरगिल फैमिली ने प्लान की है सबके लिए, आई मीन हम दोनों के लिए स्पेशली, विच इज़ यू नो इट्स लाइक एवी जैसे शादियों में होता है हमारे जर्नी पर, एंड वो काफ़ी यू नो इमोशनल मोमेंट है, एंड हाँ मतलब बहुत ही यू नो खुशी का माहौल है, फाइनली शादी हो रही है एक बस साल के बाद। कुछ अर्ज तो पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन आई थिंक क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो आशिकी, तुम ही हो। काफी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक अंदाज में आपका स्वागत किया इन्होंने जयमाला के स्टेज पे, कैसा लग रहा था? हीरो है तो ऑब्वियसली यू नो रोमांस तो दिखाएंगे ही, एंड फाइनली यू नो शादी का दिन आ गया है, सो आई एक्सपेक्ट कुणाल कि वो ये सब करे, क्योंकि वो उसका यू नो उसकी कैरेक्टर में भी है, हमेशा वो श्रद्धा को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, या एंड ऑलवेज सरप्राइजेस हो, सो ओके सेट पे ना हम लोग का धागे की इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी कि हम लोग अपने कैमरा में उसको एक शॉट ले रहे थे जब की जोर जोर से हंसेगी, कौन से जब आप लोग पूरे टाइम हंसते रहते हैं। हाँ ऑब्वियसली आई मीन सारे एक्टर्स यू नो एक साथ है, शादी का माहौल है, तो यू नो इन बिटवीन शॉट्स हमेशा मस्ती चलती रहती है, एंड ये हमेशा से मतलब एक डेढ़ साल से चलती आई है, तो वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग व्हाट वी डू एवरी डे। आई थिंक यू नो हर लड़की जब एक ब्राइड बनती है तो ऑब्वियसली जो बोझा होता है ड्रेस का इज ऑलवेज अ लॉट, बट अब इतनी बार शादी हो चुकी है दैट यू काइंड ऑफ यूज्ड टू इट। हनीमून के प्लान्स के लिए आपको एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा, दिस इज अ स्ट्रिक्टली शादी इंटरव्यू। या थैंक यू।